आपका जो इस नया थ्योरम है वो है एंगल का ना, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमीसर्कल। एंगल किसमें इंस्क्राइब किया? सेमीसर्कल। बताने के लिए डायमीटर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? डायमीटर। अब ये हमने लिखा कि वो सेंटर है, ए बी क्या है? डायमीटर। अब आप बताओ ये डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल हो गया ना, तो सेमी सर्कल में छेना ही इंस्क्राइब्ड एंगल है। एंगल इंस्क्राइब्ड का आगे सेमी सर्कल, ठीक है ना? एंगल ए सी बी है, यहाँ पे लिखता हूँ सी इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, सी इज द पॉइंट ऑन द सर्कल। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं। आपको प्रूव करना है कि एंगल ए सी बी कितना है 90। कैसे प्रूव करना? तो प्रूव ऐसे करना, ए बी इज द क्या है रीजन गिवन। मतलब ए बी डायमीटर है तो ये क्या हो गया? डायमीटर के बाजू इधर कौन से आर्क रहता है? क्या बोलते हैं अब इसको? जब भी डायमीटर रहता है तो इधर वाले आर्क को और इधर दोनों को क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। और अगर वो डायमीटर नहीं है तो कॉर्ड है तो बोलते माइनर आर्क और मेजर आर्क। अगर वो कॉर्ड है तो माइनर आर्क और मेजर आर्क बोलना, एक को माइनर एक को मेजर। और अगर वो डायमीटर है तो दोनों को क्या बोलना? ये भी सेमी सर्कल, वो भी सेमी सर्कल। तो बताओ कौन कौन से सेमी सर्कल हो? देयरफॉर आर ए सी बी एंड आर सेमी सर्कल है तो दोनों का मेजरमेंट कितना डिग्री? दोनों आर ए सी बी भी 180 और आर ए बी भी 180 बराबर है नहीं? डायमीटर है ना, ये आर कितना माने सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल, दोनों का मेजरमेंट 180। चलो फॉर्मूला बताओ, इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, इंस्क्राइब्ड एंगल का फॉर्मूला क्या? एंगल इधर आर उधर, बताओ कौन सा आर, कौन सा लेना पड़ता है? आर लेना पड़ता है एंगल के अंदर, बताओ एंगल के अंदर कौन सा? और इधर क्या लिखते हैं? इंस्क्राइब एंगल। अब आपको इसमें से किसकी वैल्यू पता है? आर पता है? किसी को नहीं पता? आर्क नहीं पता कितने डिग्री का है? 180 / 2 कितना हो गया? बताओ एंगल एसीबी कितना हो गया? हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना, एंगल एसीबी क्या? तो सीधी सी बात है, अगर ये सेमी सर्कल है तो भाई इधर भी सेमी सर्कल है, होगा ये 180 होगा तो ये कितना होगा? 90। तो इसके क्या होता है? हाफ रहता है। अब इसको एक्चुअली आप जब ये तो थ्योरम हो गया अब इसको ये कैसे करोगे? तो सीधा सीधा डायमीटर लिख देना। हाँ, हाउ टू सॉल्व, क्या लिखना? वो इज द सेंटर ऑफ द, ऐसे लिखना, ए बी इज द डायमीटर, ऐसे लिखना और डायरेक्ट लिख देना रे एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना, ओरिजिन लिखना एंगल इंस्क्राइब इन द, बस इतना लिखना एंगल इंस्क्राइब इन द सेमी सर्कल। ये एंगल सेमी सर्कल में इंस्क्राइब, इसलिए कितना डिग्री हुआ? लेकिन सेमी सर्कल है कैसे बताना? पहले लिखना वो सेंटर ही लिखना, ये भी क्या है? डायमीटर है, लिखना डायमीटर है तभी तो वो सेमी सर्कल का, ये लिखना मुझे ये डायमीटर है, फिर लिखना एंगल ए सी बी कितना 90, एंगल इंस्क्राइब इन द सेमी सर्कल। ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करो, लिखो जल्दी थ्योरम लिखो। अपना नेक्स्ट पॉइंट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। कौन सा क्वाड्रिलेटर?
साइक्लिक क्वाड्री और आपके टेक्स्ट बुक में वो एक लाइन है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ढेर के बाद क्या लाइन लिखी है वो लाइन लिखना है कौन सी द क्वाड्रिलेटरल बीच लाइन वो लाइन वहां से लिख लेना और वो लिखने के बाद सर्कल ड्रॉ करो। अब आप बताओ इसके चारों वर्टेक्स ए बी सी डी एक ही सर्कल पर है ना, उसी सर्कल पर। तो जिसके चारों वर्टेक्स एक ही सर्कल पर आ रहे उसे क्या बोलते हैं फरहान, क्या बोलते हैं उसे साइकिल साइकिक क्या बोलते हैं उसको साइकिक। All vertices of quadrilateral ABC. इसके all vertices यानी ABC के चार are on the circle. Are on the same side. Same एक ही circle. Therefore quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral. इसलिए वो सही है। अगर ऐसा होता ये quadrilateral है लेकिन इसके तीन वर्टेक्स से सर्कल पर आ रहे और चौथा बाहर आ रहे तो ये सर्किल क्वाड्रिलेटरल नहीं, या फिर किसी दूसरे सर्कल पर आ रहा है तो भी नहीं, उसी सर्कल पर चारों चाहिए। अब तीन सर्कल पर है और चौथा बाहर है ये सर्किल क्वाड्रिलेटरल नहीं, ये है सर। ठीक है, तो हमने वो डेफिनेशन लिखी, फिगर निकाली और ये कंसेप्ट निकाला। अब उसके बाद हमारा एक थ्योरम है, कौन सा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट एंगल है ना, कौन से एंगल है अपोजिट एंगल, वो सप्लीमेंट्री रहते। कैसे रहते? सप्लीमेंट्री, जिनका एडिशन 180। यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट एंगल है ना, अपोजिट कोण है और सी, ये सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री है 180। फैजल ज्यादा समझ नहीं रहा, थोड़ा कंट्रोल करो। ये 80 है तो ये होगा 100, ये 80 और ये 100 तो टोटल कितनी होगी 180। तो अपोजिट एंगल की टोटल हमेशा 180। मान के चलो ये अगर 120 है तो ये कितना होगा 60, दोनों की टोटल 180। तो ऐसा क्यों, ये थ्योरम आगे प्रूव कर रहा है, बहुत सिंपल थ्योरम। अब आप मुझे एक बात बताओ, इस एंगल का मुझे फॉर्मूला बताओ। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं अभी समझाने के लिए, एंगल को तो एक्चुअली पूरा नाम लिखना चाहिए बीएडी, मैं शॉर्टकट ये लिख रहा हूँ। बताओ ये इंस्क्राइब्ड एंगल है ना, सर्कल पर है ना, ये सब बताओ ये किसके हाफ रहेगा, हाफ बताओ इसका हाफ कौन सा है अच्छे से, एंगल ए आर कहने क्या उसके अंदर वाला कौन सा है आर बाय रीजन, ये किसका फॉर्मूला हो गया एंगल ए। चलो इसका फॉर्मूला बताओ, एंगल सी बताओ, एंगल सी के अंदर कौन सा आर्क है, कौन सा आर्क बी बाय रीजन हो गया। ए का भी फॉर्मूला लिखा हो सी का, अब दोनों की एडिशन एंगल ए प्लस एंगल सी। अगर मैं लेफ्ट और लेफ्ट को ऐड करता हूं तो मुझे राइट और राइट को भी क्या करना पड़ेगा, क्या मैंने दोनों किया। अब अच्छे से देखो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम डिनोमिनेटर कैसा है सेम। बताओ ऊपर क्या लिखू, बी सी डी प्लस बी, यानी दोनों आर्क को ऐड करो। चलो करो करो दोनों आर्क को ऐड, कौन सा आर्क बी सी डी, बी इसमें कौन सा आर्क ऐड करो बी ए डी, क्या ऐड बताओ क्या बन गया, इन दोनों को ऐड करने पर क्या बना, यानी कितना डिग्री लिखू बाय टू कितना होता है हो गया, यानी ए प्लस सी कितना आया वन एटी, ए प्लस सी क्या नाम है, तो ए प्लस सी कितना आया वन एटी, यानी इसका मतलब
जैसे ए प्लस सी 180 है वैसे पी प्लस जीपी कितना का 180। और करके दिखाने की जरूरत नहीं, एक जोड़ी करके बता बस कैसे आया 180 बता। थ्योरम कितना सिंपल थ्योरम है, हमें ए प्लस सी 180 बता। पहले ए का फॉर्मूला लिखना, अंदर वाला आर्क बी सी डिवाइड, फिर सी का फॉर्मूला, सी का कोने अंदर बी डी बाई टू, इनसे एंगल दे दोनों में, फिर दोनों को ऐड करो, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करो राइट में दोनों का डिनोमिनेटर सेम, प्लस मल्टीप्लाई मत करना दोनों का एडिशन। अब ये वाला आर्क और ये वाला आर्क मिल गया तो सर्कल बनता है 360/2 कितना 180, इतना सिंपल थे। देखो आपके टेक्स्ट बुक में थ्योरम है, अब लिखो हेडिंग दो थ्योरम, लिखो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ऐसा थ्योरम लिखा कि नहीं वहां पे, वर्ड है क्या पेज नंबर 68 पर। हाँ लिखो लिखो वहां पे थ्योरम लिखो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, और उसके बाद हमें वो थ्योरम प्रूव करके भी बताना है, ठीक है। वो थ्योरम प्रूव करके बताना है कल भाई ना, हाँ कैसे प्रूव करें, चलो हम लिखो फटाफट सेंटेंस लिख दो, ए बी गिवन लेंगे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है साइक्लिक है, ये गिवन लेते हैं कि ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ कि इसके जो अपोजिट एंगल है ये भी टोटल 180 है और बी प्लस डी की भी टोटल कितनी है, यानी अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ शुरू कर रहे हैं, ध्यान दो कैसे, देखो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक रीजन गिवन दिया हुआ है। चलो पहले एंगल ए का फॉर्म लेते हैं, बता एंगल बी ए डी मेजर ऑफ एंगल बी। देखो मैंने अभी इधर समझाते समय छोटा लिया था शॉर्टकट, एक्चुअल प्रॉब्लम कर रहे थे एंगल का नाम पूरा लिखा, बता एंगल ए बी ए डी, मैं इसकी रफ फिगर दिखा बी ए डी और इधर सी है, मैं फिगर उतनी निकालता हूँ जितना एंगल है बी ए डी है बी ए डी। अब बता एंगल बी ए डी का फॉर्मूला क्या होगा, ये इसके एंगल है तो फॉर्मूला क्या रहता है, एंगल इधर आर्क उधर, कौन सा आर्क बी सी डी, अंदर वाला आर्क कौन सा बी सी डी बाय टू, जैसे एंगल ए का निकाल वैसे किसका लिखू सी का, चलो सी का फॉर्मूला सी की फिगर बी सी डी इधर कौन है ए, बताओ एंगल सी का एंगल बी सी डी एंगल उधर बताओ आर बाय दोनों का रीजन एक है कौन सा इंस्क्राइब एंगल, यही पड़ेगा ना एंगल इधर लिखना आर्क उधर लिखना एंगल इधर आर्क उधर, एंगल इक्वल टू आर्क बाय टू, एंगल इक्वल टू अंदर वाला आर कौन सा अंदर बाय टू, तो लिख दिया सर इनको नंबर वन और टू दो। फिर उसके बाद क्या करना, एडिंग इक्वेशन वन एंड तो क्या करना, लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करना किया तो राइट में राइट ऐड होगा। देखो मैं राइट बराबर उसी को देख देख के लिख रहा हूं, लेफ्ट में लेफ्ट राइट में राइट, हाँ चलो डिनोमिनेटर कैसा है से क्या चाहे बोला सीखो था ना, अरे फास्ट क्यों ला रहे है ना, दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है सेम, एक बार और दोनों का एडिशन। अब बताओ डिनोमिनेटर सेम है टू, मतलब बी सी डी प्लस बी डी क्या होता है आर, कोई यहां से नहीं समझे यहां से आर बी सी डी और आर बी ए डी, बताओ क्या होता है क्या लिखना है यहाँ पे 360, कुछ रीजन लिखते याद है क्या क्या रीजन लिखते हैं, मेजर ऑफ ए और फिर कितना है तो बताओ ए प्लस सी कितना है 180, उसको शॉर्टकट में लिखता हूँ अभी ए लिखता हूँ इसको क्या लिखता हूँ ए प्लस सी कितना है 180। अब बताओ जैसे ए प्लस सी 180 है वैसे हम क्या बता सकते हैं बी प्लस डी भी क्या बता सकते हैं, उसको पूरा डिटेल में करने की जरूरत नहीं, क्या लिखना सिमिलरली वही क्या शो दैट, क्या शो दैट मेजर ऑफ एंगल बी
मेजर ऑफ एंगल इक्वल टू कितना 180. देयरफॉर क्या हो गया अपोजिट एंगल्स आर 70 डिग्री हो गया प्रूफ वही था देखिए.